दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ, और जिस तरीके से मोदी सरकार ने अभी अभी जनरल कैटेगरी के लिए 10% का आरक्षण की जो फरमान सुनाया था, और उसके बाद से बिल लेकर आए, संविधान संशोधन बिल लेकर आए, दोनों सदनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है उसको, उसके बाद से तमाम तरह की कंट्रोवर्सी बनी हुई हैं। अभी जंतर मंतर पर यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया था इसके विरोध में। मेरे साथ में JNU के छात्र नेता वीरेंद्र कुमार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, और ये जो विरोध प्रदर्शन आज जो हुआ है, देश भर में कई सारे संगठनों ने मिल करके 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन ये किया है, हम लोगों ने घोषणा किया है। और कल जैसे बंगाल में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और आज दिल्ली में हम लोगों ने उसी कंटिन्यूटी में हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन जो है आर्थिक आधार पर जो 10% रिजर्वेशन की बात सरकार ने संसद में ये जो बिल पास कराया है, इसके विरोध में है। और इसके विरोध में इसलिए हैं क्योंकि आप संविधान सभा के जो डिबेट्स हैं, और जिनसे संविधान बना, जिस बहसों से बना, और उनके अंदर जो आरक्षण को लेकर के जो मूल बुनियादी बातें थीं, उस बुनियादी बातों को ही छेड़छाड़ करने का कोशिश किया गया है। संविधान के जो मूल बातें हैं आरक्षण को लेकर के, उसको बदलने का कोशिश किया गया है। और ये जो बदलाव है इस देश के अंदर, जो हजारों सालों से जो शोषित है उनके जो प्रतिनिधित्व का मसला है, उनको, उन बहुजनों के खिलाफ ये अमेंडमेंट है, ये बदलाव है। क्योंकि हम लोग का मानना है कि देश के अंदर जो आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू की गई, या आरक्षण व्यवस्था देश के अंदर जो हाशिए पर के लोग हैं, उनका सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के वजह से, और ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के वजह से ये आरक्षण दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जा रहा है। आर्थिक आधार, अगर जैसे आप गरीबी बोलते हैं, तो भाई इस देश के अंदर गरीबी हटाने को लेकर के कई सारी योजनाएं हैं, मनरेगा है, रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना है प्रधानमंत्री, और कई सारी योजनाएं लाए। हम लोग चाहते हैं देश से गरीबी हटे, सवर्ण भी गरीब न रहे, दलित भी गरीब नहीं रहे। लेकिन आरक्षण का मतलब है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब आप देखिएगा कि इस देश के अंदर नौकरियों में और संसदों में और तमाम इस तरह के संस्थानों में, न्यायपालिका में, विश्वविद्यालयों में, सवर्णों की जितनी जनसंख्या है उससे कई गुना ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, और जो दलित पिछड़े आदिवासियों की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सरकार को ये करना चाहिए कि दलित पिछड़े आदिवासियों का जो आरक्षण है, इसकी सीमा बढ़ानी चाहिए थी। क्योंकि आरक्षण का मतलब गरीबी हटाओ योजना नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण का मतलब हम लोग प्रतिनिधित्व समझते हैं, और इसीलिए इस बिल का हम लोग, इस अमेंडमेंट का हम लोग विरोध कर रहे हैं देश भर में। अब तो राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई, तब तो ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। नहीं, ये ऐसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध होगा, ये सरकार के खिलाफ एक माहौल बनेगा, फिर कोई सामाजिक न्याय की सरकार आएगी तो हो सकता है वो फिर नई बिल लाएगी, और हो सकता है ये रिजर्वेशन को खत्म करे। और इसीलिए प्रदर्शन, जब सदन चुप हो तो सड़क को चुप नहीं होना चाहिए। हम लोग सड़क पे विरोध कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग का मानना है कि जब सदन में विपक्ष के कई सारे पार्टियों ने वोट किया, तब हम लोग सड़क पर उतरे हैं, और पूरे देश के जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, हम लोगों ने ये ठाना है कि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण को विरोध करना है, क्योंकि ये संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है। लेकिन जो आरक्षण की जो भी पैरवी करती हैं पार्टियाँ, जो भी बहुजन समाज की बात करती हैं जो भी पार्टियाँ, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है, चाहे वो BSP हो, चाहे वो दूसरे नेता हों, बहुजन नेता हों, उन्होंने ही विरोध किया है, सिवाय एक RJD के तेजस्वी यादव के अलावा, और किसी ने विरोध नहीं किया है। तो इसे किस तरीके से देखिए, पार्टियां हो सकता है अपना अपना डिसीजन ले, अपना अपना फैसला हो सकता है, लेकिन हम लोग जिस विचारधारा के तहत हम लोग चलते हैं, बाबा साहब के विचारधारा के तहत चलते हैं, जो आदिवासी समाज के जो प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में, जयपाल सिंह मुंडा जो प्रतिनिधित्व करते थे, इनकी जो विचार थे, इस विचार को लेकर के जो आरक्षण जैसी एक प्रणाली आया कि जो शोषितों को, जो समाज के हाशिए पर के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, हम उस विचारधारा की बात करते हैं। कौन सी पार्टियां क्या फैसला ले रहा है ये अलग मामला है, जनता ने एक फैसला ले चुका है, जो दलित पिछड़े आदिवासी जनता है इस देश के, जो हाशिए पर की जनता है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या इससे लगता है SC ST OBC का जो जातीय आधार पर आरक्षण है उसको खतरा लगता है क्या? नहीं, हम करेंगे संविधान के जब मूल बात को ही आप टारगेट करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पे भी खतरा बढ़ेगा। जैसे कि ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के ऊपर ही हमला बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि क्योंकि RSS भाजपा के लोग आप देखे होंगे कि पिछले दिनों से बोल रहा है कि संविधान को बदलने की जरूरत है। संविधान को क्यों बदलने की जरूरत है? इस देश में लोकतंत्र है, बराबरी की बात है, संविधान के तहत हमें बराबरी का हक अधिकार मिलता है,
तो हम लोग समाज में बराबरी अगर मिला है तो इस देश के संविधान के तहत मिला है, लेकिन ये भाजपा और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि इस देश का संविधान को बदला जाए, यानी कि जो दलित पिछले हजार सालों से जो गुलाम बने हुए थे बना के रखा था ब्राह्मणवादी ताकतों ने, ये नए तरीके से संसद के माध्यम से ये लोग हम लोग को फिर से हाशिए में धकेलने का कोशिश कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ में जेएनयू के छात्र नेता वीरेंद्र कुमार, जिनसे हम बात कर रहे थे, वीडियो जर्नलिस्ट अल्फराज के साथ, आकिल रजा, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।